वहीं से बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेतिया में बड़ा हादसा होने से टल गया है। दो हिस्सों में बटी चलती ट्रेन, ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण हादसा टल गया। कंपलिंग टूटने से हादसा हुआ है और मझौलिया स्टेशन से ट्रेन के निकलते ही कोच हुआ अलग। रक्सौल से आनंद विहार जा रही थी सत्याग्रह एक्सप्रेस, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। तो फिलहाल सत्याग्रह एक्सप्रेस दो टुकड़ों में बट गई। आपको बताते चले कि फिलहाल जब ट्रेन रवाना हुई तो स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी, जिसके बड़े माफ कीजिएगा, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र पांडे जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या पूरी जानकारी है और फिलहाल क्या अपडेट है, क्या अब स्थिति ठीक है पहले से? जी, आनंद विहार के लिए रक्सौल से जैसे ही सत्याग्रह ट्रेन चली और बेतिया के मझौलिया स्टेशन को पार की, पांच बोगी ट्रेन से अलग हो गई। मामला ये था कि रफ्तार धीमी थी, जिसके चलते बड़ा हादसा नहीं हुआ, टल गया, नहीं तो एक बड़ी हादसा होने वाली थी। आगे ट्रेन चली गई और पांच बोगी पीछे रह गया। धीमी गति होने के कारण हादसा टला और फिर पुनः ट्रेन रुकी और आकर के बोगी को जोड़ा गया और आगे की तरफ बढ़ा गया। अब स्थिति सामान्य हो गया है, ट्रेन भी आनंद विहार के लिए आगे बढ़ा दी गई है। पदाधिकारी इस बारे में जानकारी ले रहे हैं, अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। बेतिया से सत्येंद्र पांडे, न्यूज नेशन। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र। तो देखिए, बेतिया से ये खबर हमने आपको बताई, जहां रक्सौल से आनंद विहार जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस दो भागों में बट गई थी, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने अब फिलहाल एक बार फिर से परिचालन को शुरू कर दिया है। ट्रेन की अभी स्थिति ठीक है और अब सिचुएशन जो है वो नियंत्रण में है। तो देखिए, आप देख पाएंगे ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ट्रेन दो भागों में